भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेटेस्ट तस्वीर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे देश के दो बड़े राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल क्या कहता है, स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में हमने उस तस्वीर को रखा था। हरियाणा की तस्वीर आप देखिए, 90 की 90 सीटों का एग्जिट पोल का हमारा नतीजा। बीजेपी का जो नारा था अब की बार 75 पार, उस नारे को साकार करती बीजेपी दिख रही है। 75 से 80 सीटें बीजेपी को अकेले, कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट सकती है। 9 से 12 सीटें सिर्फ कांग्रेस को, इनेलो 0 से 1, यानी ये भी हो सकता है कि इनेलो का खाता ना खुले। जेजेपी के हिस्से 1 से 3 सीटें और अन्य के खाते में कुछ नहीं। तो ये हरियाणा की बड़ी पिक्चर, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर, यानी खट्टर सरकार पर पिछले 5 सालों के कामकाज पर हरियाणा की जनता एग्जिट पोल के नतीजों को सही माने तो मुहर लगाती हुई दिख रही है। वोट शेयर देख लीजिए फटाफट हरियाणा का। बीजेपी को अकेले 42.72% वोट प्रतिशत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस आधे में सिमट रही है, 28.99%। इनेलो के पास सिर्फ 3.33%। जेजेपी को इनेलो से ज्यादा 16.02%। अन्य के हिस्से में 8.94%। ये स्थिति हरियाणा की। बड़ी तस्वीर एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर हमने आपके सामने रखी है। अब महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख लीजिए और साथ ही आपके सामने जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर हिस्से में महाराष्ट्र का एग्जिट पोल का नतीजा और साथ ही स्क्रीन के नीचे हिस्से में हरियाणा का जो एग्जिट पोल है वो हमने आप रखा हुआ है। और बीचों बीच जो हम तस्वीर रख रहे हैं ग्राफिक्स की, वो महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर जो कंपैरेटिव स्टडी है और साथ ही जो दूसरी जरूरी जानकारियां वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जी राकेश, ये आंकड़े तमाम जो लगातार दर्शक देख रहे हैं ये बताते हैं कि संभावित तस्वीर 24 तारीख को आएगी तो क्या हो सकती है। जी हाँ शायना जी, आप मेरे साथ हैं। आपसे एक सवाल, आपसे कुछ देर पहले प्रियंका चतुर्वेदी थी, मैंने यही सवाल जो आपसे किया था, मैंने कहा कि आप मानते हैं कि आप छोटे भाई की भूमिका में हैं, तो वो थोड़ी सी नाराज हुई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन मैं आपकी बेबाकी की दाद दूंगा कि आपने मान लिया कि हम तो बड़े भाई है ही। आपसे सवाल, चुनाव साथ साथ घोषणाएं अलग अलग, देखिए हर एक पार्टी उम्मीद पे दुनिया कायम है जैसे कहते हैं, उस आधार पे जंग में जाती है, लेकिन अंत में जो जीता वही सिकंदर। आज हकीकत ये है मनीष जी कि भारतीय जनता पार्टी के 122 एमएलए हैं महाराष्ट्र में। रही बात देवेंद्र जी की छवि और उनकी लोकप्रियता, हर कोई जानती है। और जिस आंकड़े की बात आप करते हैं, वो एग्जिट पोल हो आपके चैनल पे या कहीं और, उससे एक चीज स्पष्ट है कि वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़ चुका है। और स्वाभाविक रूप से हम हैं बड़े भाई, आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। रही बात अलायंस को लेकर, हमने कभी भी किसी का सम्मान नहीं किया। ये आप शिवसेना को समझाइए कि मान भी जाओ यार, हम बड़े हैं, हम मानते हैं कि बड़े छोटे की बात नहीं, जनता का जनादेश वही तय करता है कि कौन है बड़ा कौन है छोटा। और एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स, हर एक राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उनकी जो वोट शेयर है बढ़े, और बढ़ता है। चलिए शाइना, मैं आपको रोकता हूँ। इस वक्त हरियाणा सरकार में मंत्री रहे ओपी धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी धनखड़ जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुबारक हो आपको। जो एग्जिट पोल का नतीजा है, आपकी बार जो 75 पार आपका नारा था, उस नारे को साकार करती दिखाई दे रही है बीजेपी, आपको फिर सरकार बनाने का मौका मिलेगा। सवाल ये, इसका क्रेडिट किसे, बीजेपी को लेकर इतनी स्वीकार्यता, खट्टर सरकार को लेकर इतनी स्वीकार्यता, या फिर जो सवाल हमने पहले पूछा था, चौटाला परिवार में टूट और कांग्रेस में फूट का फायदा। मैं कहूंगा स्वीकार्यता, खट्टर सरकार को लेकर इतनी स्वीकार्यता, या फिर जो सवाल हमने पहले पूछा था, चौटाला परिवार में टूट और कांग्रेस में फूट का फायदा। मैं कहूंगा सबसे बड़ा फैक्टर तो नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत का दुनिया में बढ़ता हुआ स्थान है। धारा 370 टूटने का हरियाणा में सबसे ज्यादा असर है, क्योंकि यहाँ के लोग फौज में हैं और सबको लगता है कि कश्मीर की ड्यूटी कैसे पूना पटना लखनऊ मथुरा भोपाल झांसी जैसी हो जाए, क्योंकि सर्वाधिक बलिदान हमारे लोगों ने जम्मू कश्मीर में दिए हैं। हर हिस्से में हमारा रक्त बहा है, 3 पीढ़ियां बीत गई हैं, 75 साल हो गए आजादी को। यहाँ उस बात की बहुत बड़ी प्रसन्नता है, मोदी जी के काम की प्रसन्नता है। हमारी सरकार
को लोगों ने एक सर्टिफिकेट दिया है, ईमानदार सरकार है, ख्याल रखने वाली है, सबको साथ लेकर चलने वाली है, डिलीवरी देती है, लो प्रोफाइल है, ना इलाके की बात करती किसी खास की, जैसे कुछ लोग किसी इलाके की चौधर की बात करते हैं, कुछ लोग किसी समूह वर्ग की चौधर की बात करते हैं, कुछ लोग किसी जो है अपना एक अलग जाति की बात करके चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी बनी है और सबके आदर के साथ, सबके सम्मान के साथ सभी वर्गों तक सरकार के कामों के फल पहुंचे, डिलीवरी पहुंचे, न्याय भी देती है और भाव भी देती है। यानी युवा को न्याय देती है, मेरिट पर नौकरी देके, किसान को भाव देती है और खरीद करती है, अच्छा भाव देती है, तो ऐसी सरकार जो लेकिन, है। लेकिन आपकी जनता जी, एक सवाल और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, क्या इस बात से इनकार करेंगे कि कांग्रेस और जो पांच दलों का जो विपक्ष था उसकी टूट का फायदा बीजेपी को मिला? अशोक तंवर हुड्डा को लेकर क्या कुछ हुआ वो हमने देखा है, बीजेपी में INLD के आगे रामचंद्र कंबोज ये भी तस्वीर रही, कई बड़े दिग्गज नेता INLD के, एक और दिग्गज नेता रविन्द्र बलालिया आपके साथ आ गए, क्या इन सब परिस्थितियों का फायदा बीजेपी को नहीं मिला हरियाणा में? निश्चित रूप से मिला है, लेकिन इसमें बीजेपी का क्या है, सामने वालों को अच्छा चलना चाहिए था, वो अच्छे नहीं चल रहे थे तो हम उसमें बीजेपी क्या कर सकती है। रामायण में कहा है, जाको मैं दारुण दुख दे हूं ताकि मती पहले हर ले हूं। अब उनकी मती अगर हरी गई थी, वो लठ बजा रहे थे, तो बीजेपी क्या करे? तंवर और हुड्डा मिलकर साथ नहीं चल सकते तो हमको बेनिफिट होना ही था। एक परिवार में जूतम जूत हो रहे थे तो हम क्या कर सकते थे? चाचा को नेता ही नहीं माने कोई जो जवान, ठीक है, और सारी फैमिली टुकड़े टुकड़े बढ़ जाए तो निश्चित रूप से बीजेपी को बेनिफिट मिला है, मिलना ही था। हम तो चाहते थे एक अच्छा सा विपक्ष हो और अच्छी लड़ाई लड़े उस नाते से, लेकिन वो अपने टकराव को रोक ही नहीं पाए। मैं आता हूं आपके पास दीपक जी, कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी ये आंकड़े नहीं है, अभी बस दिखा रहे हैं, ट्रेंड दिखा रहे हैं, आंकड़े मतलब ये रिजल्ट नहीं है आपके, ये अभी एक नहीं, ये तो रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल रिजल्ट नहीं है, क्या को पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा, ये आपके पक्ष में होते तो मैं वही बात बोलने जा रहा हूँ, लोकसभा विधानसभा जो भी चुनाव होते जो जीता वही सिकंदर कहलाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सच ही जीत रहा हो, कई बार झूठ भी छल करके जीत रहा होता है। और वास्तविक स्थिति वही है, नहीं मिले तो खट्टे हो गए। देखिए, वो आप कुछ भी कहिए, आप नहीं मिले तो खट्टे हो गए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एग्जिट पोल के दौरान भी तो यही कह रहे थे ना कि असल नतीजे में ये कन्वर्ट नहीं होंगे। राकेश हेमराज शाह भी शायद मुंबई से शिवसेना के, हाँ वो स्क्रीन पर जरूर इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे थे, हेमराज शाह है तो वो स्क्रीन पर उन्हें लाया जाए। और सवाल ये कि अब तो शाइना एनसी ने कहा कि माने कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, यानी शिवसेना क्या खुले मन से स्वीकार करेगी कि छोटा भाई, अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं 24 को भी? तो शाह साहब, ये सवाल आपके लिए था। मेरे ख्याल से शाह साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हमारे साथ दूसरे मेहमान है राकेश, आप सवाल लेना चाह रहे थे। भावेश, ये आंकड़े पोल ऑफ पोस्ट भी हमने दिखा दिया, वो पोल ऑफ पोस्ट भी तो ये कह रहा है कि कहीं से कोई मुकाबले में नहीं है विपक्ष। बिल्कुल, यदि बीजेपी महाराष्ट्र में 122 से ज्यादा जीत रही है, नंबर छोड़ दीजिए 150 दिख रहा है, 140 नंबर को डिस्कस, यदि 122 से ज्यादा बीजेपी वहां पे महाराष्ट्र में 47 से ज्यादा हरियाणा में लेके आ रही है, तो इसका मतलब है कि प्रो इनकमेंसी है, तो इसका मतलब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। यहां पे देखिए, अब पिछले 4-5 साल की पॉलिटिक्स को इंडिया में देखिए तो बीजेपी हर इलेक्शन में एक टोन सेट करती है, अपना जो उनको कैंपेन करना वही सेट करती है और विपक्ष उसके पीछे पीछे चलती है। इस इलेक्शन में भी ये हुआ, 2 महीना पहले लगभग बीजेपी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटाया, जिसके पीछे कांग्रेस को अभी तक समझ में नहीं आया। आपने संसद में देखा कि उन्होंने विरोध किया, अभी 2 दिन पहले मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट आया, अलग अलग आप उनमें देखेंगे, उनमें अभी तक एकमत नहीं है कि हम उस इशू का सपोर्ट करें या विरोध करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास जो कोई स्ट्रेटजी नहीं थी इलेक्शन में जाने की, जिसका आप नतीजा देखेंगे, या नंबर्स हो सकता कुछ चेंजेज हो, लेकिन इंडिकेशन बिल्कुल साफ है बीजेपी मैसिव विन दोनों स्टेट में कर। ठीक है, अजित मंडला जी, क्या वाकई विपक्ष ट्रैप हुआ है?
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार करता, हर कोई भी राज्य का चुनाव उससे पहले कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा सामने आता है जिसमें विपक्ष फंस जाता है। और मेरी समझ में ही नहीं आ रही ये बात कि कांग्रेस जैसी इतनी 135 साल पुरानी पार्टी या दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो क्यों नहीं बैठ के बात कर रहे हैं, क्या क्या कमी है कांग्रेस के अंदर। ये बड़ी दुखद स्थिति हो गई है कांग्रेस के लिए। आज राहुल गांधी मात्र 2 साल अध्यक्ष रहे और एकदम से अध्यक्ष पद छोड़ दिया। और राहुल गांधी के साथ मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कांग्रेस के कमजोर केंद्रीय नेतृत्व को लेकर, वहां पर अब आपस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में भी कहीं ना कहीं अब तनातनी मुझे दिख रही है। वो तनातनी मैं इसलिए कह रहा हूं दिख रही है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से फैसले हुए हैं, फैसले किए गए देरी से किए गए और उसके बाद अभी भी जो बातें सामने आ रही हैं उससे कहीं लगता है कहीं ना कहीं माँ बेटे के बीच भी अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और आने वाले टाइम पर ये कांग्रेस के लिए और घातक हो सकता है। अगर यही रिजल्ट आता है तो नेताओं में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव आएगा। कार्यकर्ता तो पहले ही निराश है, नेता भी बचे कुचे हैं और उनमें भी अगर कहीं निराशा का भाव। देशरत्न निगम जी, क्या यही वजह है वन साइडेड इलेक्शन की अगर ऐसे ही नतीजे आए थे? ये तो एक तरीके से मतलब साफ है मामला। देखिए, जैसा सभी लोग बोल रहे हैं साफ है, बुरी तरह साफ है, जिसकी वजह से सुपड़ा साफ हो गया। और पहले क्या था कि राहुल गांधी के पास ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी और कैंपेनिंग भी कर रहे थे, उल्टा कर दिया। अब सोनिया जी के पास ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी कर दी और सिर्फ कैंपेनिंग राहुल जी के पास रही। दोनों तरीके से रिजल्ट वही है, नतीजे वही निकल रहे हैं। निगम साहब, थोड़ा सा मैं कहूंगा, देखिए कांग्रेस का दुखद पहलू क्या है, इन्होंने संगठन महासचिव एक ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसको उत्तर भारत की राजनीति का ज्ञान नहीं है। और सोनिया गांधी ने कहा ये जा रहा है, जो बातें निकल के आ रही है कि सोनिया गांधी चाहती थी कि संगठन महासचिव किसी हिंदी भाषी राज्य के एक वरिष्ठ नेता को बनाया जाए क्योंकि वो पार्टी में दूसरे नंबर का पद होता है। लेकिन वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं उसमें भी अड़ गए कि नहीं, ये नहीं करना है। अब अगर ये इस तरीके के टकराव होंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट इस तरीके आएंगे। इसलिए देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 2014 से लेकर 2019 आज तक के चुनाव लड़े जा रहे हैं। अगर वो चेहरा है, लेकिन क्या ये टकराव दिखावा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये जहन मेरे में था, ये सवाल मेरे जहन में था। शिव, जल्दी से कमेंट, फिर ब्रेक लेना है। जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आज का क्रिकेट मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग था इस इलेक्शन की फाइट से। नहीं, लेकिन शिव, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब राहुल गांधी के उड़न खटोले की इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो राहुल ने भी क्रिकेट ही खेला था। ये संजोग है जी। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक एग्जिट पोल इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। तो लगातार सबसे बड़ा एग्जिट पोल, सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, नतीजों की तस्वीर, एग्जिट पोल के नतीजों की तस्वीर हमने स्क्रीन पर चस्पा कर रखी है, इन्हें अपने जहन में बिठा लीजिए। स्क्रीन के ऊपर महाराष्ट्र का एग्जिट पोल का नतीजा, स्क्रीन के निचले हिस्से में हरियाणा का एग्जिट पोल का नतीजा हमने रखा हुआ है। लगातार 288 और 90 सीटों पर महाराष्ट्र और हरियाणा की जनता क्या कह रही है, ये तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है। एक सवाल देशरत्न निगम जी, बीजेपी शायद ज्यादा स्ट्रेटजी से चल पा रही है, विपक्ष इस स्ट्रेटजी को नहीं समझ पा रहा, यह सवाल इसलिए खासतौर पर हरियाणा को लेकर, क्योंकि कई सारे हिस्से थे हरियाणा में जहां पर लग रहा था कि बीजेपी शायद बहुत ज्यादा कमजोर है। बाहरी नेताओं को लाया गया, दांव उन पर लगाया गया, मेवात में बीजेपी कभी नहीं जीती, 80% मुसलमान, INLD के 2 नेताओं को लेकर आई वहां पर पार्टी, वहां से टिकट दे दिया गया। बबीता फोगाट की बात कर लें, योगेश्वर दत्त की बात कर लें, ये सारे एग्जाम्पल है इस चीज के। ये जरूर देखिए, बीजेपी की अगर आप स्ट्रेटेजी देखें, जब उन्होंने वितरण किया अपने टिकटों का, उन्होंने देखा कि समाज के हर तबके को लाना चाहिए, चाहे वो खेल जगत का हो, चाहे वो किसी भी जगत का हो, जिससे कि एक पूरा समा बन गया इलेक्शन का। ऊपर से फिर प्रधानमंत्री और खट्टर साहब की एकदम जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन की एक इमेज, ये सारी जो मिलके आई। निगम साहब, एक चीज है, आपने सारे क्षेत्र की बात की, सपना चौधरी नहीं आई। देखिए, सपना चौधरी का तो मैं क्या बताऊं, वो किसी और के लिए कैंपेनिंग करने चली गई थी लास्ट स्टेज पे, तो मैं तो यही कहूंगा। शायना जी, सीएम की पोस्ट रिजर्व है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था।
मुझे लगता है शायद वहां तक नहीं जा रही है, लेकिन मनीष जी महाराष्ट्र में आपने काफी आपने समय गुजारा है, तो एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। जी जी। क्या वसंतराव नाइक का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे जिस तरीके से महाराष्ट्र में फडणवीस फैक्टर मजबूत हो चला है? देखिए, इसमें कोई शक और शुबा मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये साफ तस्वीर, चाहे आंकड़ों के जरिए कहिए या जमीनी हकीकत कहिए, तस्वीर साफ है। और सबसे बड़ी बात, देश का सबसे बड़ा नेता, पार्टी का नेता, अगर ये कह दे कि अगर दिल्ली में नरेंद्र है तो मुंबई में देवेंद्र है, तस्वीर साफ हो जाती है। ठीक है, ठीक है, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पापा, I am adopting